हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मानक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी से जितना भी करंट अफेयर्स हैं जुलाई से दिसंबर तक का 2021 वाला, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखें। हम देखें पहला टॉपिक है साउथ अफ्रीका ग्रांट्स पेटेंट टू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने देखा है कि आज तक जितने भी पेटेंट मिले हैं वो या तो किसी वस्तु को मिलते हैं या फिर किसी काम को मिलते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हाल ही में एक डाबूस नाम का उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको पेटेंट ग्रांट किया है। ठीक है, तो डाबूस की फुल फॉर्म क्या है? डिवाइस फॉर ऑटोनॉमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटेंस। ठीक है, तो डाबूस क्या है याद रखना, डाबूस का पूछ सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका ने एक पेटेंट दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। ठीक है, अब देखते हैं अगला असिग्मा। असिग्मा एक, जैसे कि अपन व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक मैसेंजर है, ये ऐसा एक इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया गया, लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है, जिसके अंदर इट इज लाइक व्हाट्सएप लाइक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे मैसेज भेजते हैं अपन व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से और मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर से, इस टाइप का एक ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, जो सिक्योर है आर्मी के द्वारा। अब अगली न्यूज है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021। ये पहली चीज तो ये कहाँ हेल्ड हुए थे? रशिया के अंदर हेल्ड हुए थे, जहाँ पे पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एंड ये रशिया हर बार रशिया के अंदर ही हेल्ड होते हैं और रशिया ही ये कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और इनको ही वार ओलंपिक्स कहते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स हैं इनको वार ओलंपिक्स भी कहते हैं। हम देखते हैं अगली एक्सरसाइज यूकेवरिन। ठीक है, जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, जो कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? खदाऊ आइसलैंड मालदीव के अंदर ही। ठीक है, मालदीव के अंदर ही ये कंडक्ट हुई थी और यूकेवरिन इंडिया और मालदीव के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, हम देखते हैं अगली न्यूज है एक्सरसाइज तालिस्मान सबरी। इसके अंदर इंडिया ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इंडिया इसको पार्टिसिपेट करे। ठीक है, ये बायनियल मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मिलके इसको कंडक्ट करवाते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया ने और कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेशन किया था। सिम्बेक्स है, जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में है नेवल एक्सरसाइज, मैरिटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, समुद्र शक्ति है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ओस इंडेक्स है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्टेड दियर फर्स्ट एवर नेवल जॉइंट एक्सरसाइज कॉल्ड अल मोहम्मद अल हिंदी एक्सरसाइज। जो अल मोहम्मद अल हिंदी एक्सरसाइज है वो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में है। ठीक है, एक नेवल जॉइंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, जिसके अंदर इंडिया से INS कोची इज द इंडियन वारशिप पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। तो INS कोची ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। 12th एडिशन ऑफ इंदिरा नेवी, ए बायनियल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? बाल्टिक सागर के अंदर। ठीक है, इंदिरा एक्सरसाइज है जिसके अंदर इंदिरा एक्सरसाइज के अंदर तीनों प्रकार की होती है, और इंदिरा नेवी है जिसके अंदर मैरिटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, ऑक्टाकॉप्टर क्या है इसके बारे में देखते हैं। ऑक्टाकॉप्टर इट इज एन इंडिजीनियस मीडियम क्लास ड्रोन डेवलप्ड। ये एक प्रकार का मीडियम क्लास का ड्रोन है जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया था। जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है वो CSIR का एक पार्ट है। ठीक है, इंद्रजाल के बारे में देखते हैं। इंद्रजाल इंपॉर्टेंट है, अभी हम जो चाइना बॉर्डर है वहाँ पे किस कंट्री का ड्रोन सिस्टम यूज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फ्रेंड। ठीक है, ये जो इंद्रजाल है ये कहाँ पे बना था? हैदराबाद बेस्ड एक टेक्नोलॉजी R&D फर्म ग्रीन रोबोटिक्स है उसने बनाया था। डिजाइन एंड डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम कॉल्ड इंद्रजाल। ये जो ड्रोन डिफेंस डोम है उसका नाम है इंद्रजाल। ठीक है, अगली न्यूज है मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट। इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके द्वारा मेडिसिन ड्रोन्स के द्वारा मेडिसिन की सप्लाई की जाती है। वो कहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेशन है देखते हैं। तेलंगाना स्टेट के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था।
इट इज प्रमोटिंग द 9-day पायलट अंडर मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा कि जैसे कि ड्रोन्स होंगे वो अलग अलग हर एक मेडिकल सीएससी जो होंगे पीएससी होंगे वहां पे जाके मेडिकल मेडिकल की जो भी मेडिसिन होगी उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है, द प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क वॉज प्रिपेयर्ड बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रिपेयर किया गया एंड ग्रुप हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड एंड वॉज लेटर एडोप्टेड बाई तेलंगाना। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्रुप हेल्थ नेट है उनके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया और तेलंगाना के अंदर इसको लागू किया गया अभी तक। ठीक है, इंडियाज न्यू ड्रोन रूल्स, इसके अंदर तीन प्रकार की लिमिटेशन दे रखी है वो देख लेते हैं, जहाँ पे तीन प्रकार के जोन बनेंगे। ठीक है, ग्रीन जोन होगा, येलो जोन है और रेड जोन। ग्रीन जोन के अंदर कहीं से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, अपन ड्रोन यूज कर सकते हैं। येलो जोन के अंदर लिमिट रेस्ट्रिक्टेड होता है, वहां पे परमिट लेने की जरूरत होती है। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है। जो रेड जोन होगा उसके अंदर वहां पे परमिट लेने की जरूरत होती है और अलाउ भी नहीं होता है, यदि अलाउ करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वहां पे अलाउ नहीं होता है। ठीक है, ग्रीन जोन के अंदर देख लेते हैं, एयर स्पेस अप टू वर्टिकल डिस्टेंस 400 feet दैट इज नॉट डेजिग्नेटेड एज रेड और येलो जोन। जिसके अंदर रेड और येलो जोन नॉट डेजिग्नेटेड होगा वहीं पर ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस वही होगा ग्रीन जोन। येलो जोन के अंदर एयर स्पेस अबाउ 400 feet ग्रीन जोन एंड एयर स्पेस अबाउ 200 feet विदिन 8 to 12 kilometers फ्रॉम एयरपोर्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सरकार ने दो कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी, जिसके अंदर पहला है उत्तर प्रदेश के अंदर और दूसरा है तमिलनाडु के अंदर। तो दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ कहाँ होंगे, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। और डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर FDI की लिमिट ऑटोमेटिक रूट्स के द्वारा है 74%, वो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, और बाय द गवर्नमेंट के थ्रू है वो 100% है। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखें कि ऑटोमेटिक रूट से डिफेंस के अंदर FDI लिमिट कितनी है और गवर्नमेंट के थ्रू कितनी है। अब हम देखते हैं अगली न्यूज है, चकमा एंड हजोंग ये ट्राइब्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अभी हाल ही में रह रही है और पहले ये ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में रहते थे और जब 1971 के बाद में ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर धीरे धीरे फैलने लगे। ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ कुछ एरिया के अंदर ये रहते हैं। ठीक है, तो चकमा है, चकमा ट्राइब से वो बुद्धिस्ट है और हजोंग ट्राइब से वो हिंदू है। ठीक है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, डिफेंस मिनिस्ट्री, जो लॉन्च किया गया 2018 के अंदर, 2018 के अंदर, जिसका काम है कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री। मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन के लिए ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नवाचार डिफेंस सेक्टर के अंदर के में लाने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय इंगेजिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा भी उसमें के अंदर पार्टिसिपेशन लेके हम डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इट विल फंडेड एंड मैनेज बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एक डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसके द्वारा ये फंडेड होगा और मैनेज होगा। ठीक है, द रिसेंट किलिंग ऑफ सिविलियंस नागालैंड बिलोंगिंग टू कोनयाक, हमने देखा था कुछ महीनों पहले नागालैंड के अंदर, वहाँ जो आसाम राइफल्स है और वहाँ की जो पुलिस के द्वारा जो वहाँ पे सिविलियंस रहते थे उनकी किलिंग हो गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती थी उसके बारे में देख लेते हैं, कोनयाक ट्राइब। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कोनयाक ट्राइब कौन से स्टेट में रहती है, तो नागालैंड स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इन इंडिया, ये देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। तो हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश के बीच में परवानू रीजन नियर द पंचकुला, जो ये पंचकुला है उसके पास में परवानू रीजन है, वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ठीक है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ए लार्ज मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। ठीक है ना, जो
बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी रहती है, उसकी वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट है। अब हम देखते हैं अगला, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और सरचू लाइन अलोंग ले मनाली हाईवे। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल हैड इश्यू इन द पास्ट अलोंग इट्स मेनलैंड बाउंड्रीज और द कनिका सैंड आइसलैंड। तो कनिका सैंड आइसलैंड है उसके ऊपर किस किस स्टेट का इश्यू है, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और कनिका सैंड आइसलैंड कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। हरियाणा और पंजाब का इश्यू है चंडीगढ़। कर्नाटक और केरल का इश्यू है कसारगोड, ये एक डिस्ट्रिक्ट है केरल के अंदर, पार्ट ऑफ केरला एंड विद मैनी कन्नड़ स्पीकिंग। यहाँ पे जो कन्नड़ स्पीकिंग स्पीकिंग वाले पीपल्स ज्यादा रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एरिया किसके अंदर आता है, केरला के अंदर। गुजरात और राजस्थान के अंदर है, मानगढ़ हिल्स का इश्यू है जो गुजरात और राजस्थान के बीच में। अब हम देखते हैं आसाम राइफल्स के बारे में। आसाम राइफल्स जो 6 CAPF है उसके अंदर आती है, दैट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और इसकी मैकेनिज्म और इसके जो प्रोसेस होते हैं, दूसरा वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो दो मिनिस्ट्रीज के अंदर आसाम राइफल आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ओनली एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल व्हाइल ऑफ द आसाम राइफल्स, व्हाइल ऑपरेशनल कंट्रोल इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑल्दो द आसाम राइफल पर्सनल्स ऑपरेट अलोंगसाइड द आर्मी ऑन सिमिलर ड्यूटीज, देयर इज डिस्पेरिटी इन द पे स्केल, ठीक है। तो इनके जो आसाम राइफल है वो और आर्मी के पे स्केल के अंदर डिस्पेरिटी है, उसकी वजह से इश्यू खड़ा होता है। और क्योंकि यदि एक के अंदर आता है, एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो इनका जो ऑपरेशन, क्योंकि ये काम तो इंडियन आर्मी के बराबर करते हैं, लेकिन इनका पेमेंट होता है वो कहाँ से आता है, एमएचए से, जो उनके जो आर्मी के बराबर नहीं मिलता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखते हैं आपस्वा के बारे में, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, या फिर आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस एक्ट 1942। तो इसके बारे में देखते हैं, इसके आपस्वा कैन बी इंप्लीमेंटेड इन एन एरिया इट हैज बिन डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया, जहां पे डिस्टर्ब एरिया घोषित हो जाएगा वहां पे हम आपस्वा को लागू करते हैं। आसाम नागालैंड मणिपुर एक्सक्लूडिंग 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इम्फाल, तो आसाम के अंदर लागू है, नागालैंड के अंदर लागू है, लेकिन आपस्वा पहले मेघालय में भी लागू था, जब मेघालय से हटा दिया है, और त्रिपुरा में था तो त्रिपुरा से भी हटा दिया है। तो अब कौन कौन से स्टेट के अंदर है, आसाम नागालैंड मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश है, ओनली द तिराप चांगलोंग एंड लॉजिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो तीन तो ये हुए, आसाम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर, टोटल 5 स्टेट के अंदर आपस्वा लागू है, ठीक है। अब डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा होता है, द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर द एरिया डिस्टर्ब बाई रीजन ऑफ डिफरेंसेज एंड डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन रेशियल लैंग्वेज रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज। वंस डिक्लेयर डिस्टर्ब एरिया द रीजन हैज टू मेंटेन स्टेटस को फॉर मिनिमम 3 मंथ, मिनिमम 3 महीने के लिए तो होता ही है, ठीक है। वहां पे यदि फोर्स लगेगी तो वो 3 महीने तो वहां पे रहेगी, और वो वहां का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्मी के कंट्रोल में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976, ठीक है फ्रेंड्स। ये बनाया गया कब था, वो 1958 के अंदर, ठीक है। सीआरपीसी आईपीसी प्रोविजन नॉट एबल टू एड्रेस दिस वायलेंट सिचुएशन एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज, इनेक्टेड द पार्लियामेंट सितंबर 11, 1958। आपस्वा वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड देन इन पंजाब। आपस्वा 1958 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेजिस्लेशन, फर्स्ट फॉर इज फॉर द हैंडलिंग इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी को हैंडलिंग करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और सेकेंड इसका यूज है हैंडलिंग द सिचुएशन इन कश्मीर 1990। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले फ्रेंड्स।